मैं परवल का ही रहने वाला हूँ। पहले मैं दो बार आया हूँ, एक बार आरसी पुरन टीम लिया था और एक बार एमपी कॉन्वेक्ट लिया था। रिजल्ट अच्छे थे, रिजल्ट आगे थे, पर बीच में मैं कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चला गया था तो मेरा 15 से 20 दिन खराब हो गए। उसके बाद मैं दोबारा से जिम के लिए गया, लेकिन वो बॉडी में आलस आना, हाई प्रोटीन डाइट जो मेरी चली थी वो भी छूट गई थी, वो भी नहीं ली मैंने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विद फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, परिवार है हमारा, और हमारे परिवार के सदस्य और काफ़ी पुराने सदस्य, और पर्सनली भी मैं जो है भैया, बड़े भैया ही हैं मेरे, तो जो है भैया का जो है सबसे पहले स्वागत करता हूँ, डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सबसे पहले भैया का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा विजिट है इनका यहाँ सप्लीमेंट फिलहाल पर, और दोस्तों मतलब हर किसी की वही कहानी, रिजल्ट आ गए उसके बाद डाउन हो गए, भैया के भी रिजल्ट डाउन हो गए। जरा पूछेंगे, जरा क्लास लेंगे आज भैया की हम, कि कैसे रिजल्ट डाउन हुए, और सीखने का मौका है यार क्यों होते हैं रिजल्ट डाउन, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप फिर से गेनिंग करना चाहते हैं, मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं, मसल पंप करना चाहते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्स टैक लिया है वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, सारी बात है, और क्यों रिजल्ट डाउन हुए इनके, जरा पूछेंगे इनसे। मेरा नाम डॉक्टर अनुभर द्वाज है, मैं परवल का ही रहने वाला हूँ, और सुमित मेरा छोटा भाई जैसा ही है जी। और पहले मैं दो बार आया हूँ, एक बार आरसी पुरन टीम लिया था और एक बार एमपी कॉन्वेक्ट लिया था। रिजल्ट अच्छे थे, रिजल्ट आगे थे, पर बीच में मैं कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चला गया था तो मेरा 15 से 20 दिन खराब हो गए। उसके बाद मैं दोबारा से जिम के लिए गया, लेकिन वो बॉडी में आलस आना जी, हाई प्रोटीन डाइट जो मेरी चली थी वो भी छूट गई थी जी, वो भी नहीं ली मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा 1.5 महीने का गैप हो गया था जिम का जी। अब दोबारा से लगभग 2-3 हफ्ते से मैं दोबारा से रेगुलर शुरू किया है जी। तो भैया इसलिए आपके रिजल्ट डाउन आ गए। हाँ, आप भैया मुझे एक बार बताओ यार, आप मतलब जो इस चीज को कैसे प्रॉमिस करेंगे हमसे कि भाई आप फिर ले जा रहे हो गेनिंग स्टैक, आप फिर ऐसी करोगे? नहीं नहीं, वो तो मैं घूमने चला गया था ना, बाहर चला गया था, और हाई प्रोटीन डाइट में ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे यार रोटी भी नहीं मिलती थी जी। और कितने दिन का ट्रिप था आपका? वो मेरा था 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन का। और उसके बाद फिर आप फिर दोबारा रीस्टार्ट क्यों नहीं किया जिम आपने? किया था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा घूमने चला गया भैया। पर आपको पूरी फैमिली के सामने प्रॉमिस करना होगा कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। नहीं, मैं अगर करूंगा अभी तो जाऊंगा अभी, देखो वो लाइफ, वो अपनी जगह घूमना फिरना जाऊंगा, लेकिन डाइट वगैरह का ध्यान रखूंगा जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भैया ने आपको बताया कि क्या हुआ इनके साथ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो यही चक्कर है यार, जो रिजल्ट आप हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट डाउन हो गए, रिजल्ट डाउन हो गए, रिजल्ट डाउन तो नहीं हो जाएंगे यार। आप डाइट मेंटेन रखो, एक्सरसाइज मेंटेन रखो, नहीं होंगे। और यार अब तो वैसे भी जहाँ कहीं भी आप जाओ जा रहे हो यार, वहाँ एक्सरसाइज तो कहीं भी कर सकते हो, पर चलो भैया की भी जो है एक वो है शौक है इनको घूमने फिरने का, तो जो है नहीं कर पाए डाइट मेंटेन। पर इन्होंने उसके बाद में बोल रहे हैं कि भैया आलस आ गया, फिर जाने का मन नहीं किया, डाइट वाइट सब छूट गई, तो रिजल्ट डाउन। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें यार, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप पैसे की नहीं कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया आपने, नहीं, आप इन्वेस्टमेंट अपने समय की भी कर रहे हैं जो सबसे अनमोल है, तो यार उसकी थोड़ी सी कदर करो, उसको थोड़ा सा वैल्यू रखो। और इसीलिए आप मेंटेनेंस फेस में अगर हफ्ते में 3 दिन भी जिम चले जाएंगे ना और डाइट मेंटेन रखेंगे, तो मैं कहता हूं कि आपके रिजल्ट डाउन नहीं जाएंगे। तो आप ये मिस्टेक ना करें जो भैया ने करी है, और भैया ने मिस्टेक अपनी इसीलिए शेयर की है ताकि और फैमिली मेंबर्स इस चीज को सीख सके। बाकी भाई को तो मेरा सैल्यूट है ही, क्योंकि यार मतलब जहां 35-36 में आके लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं, वहां पर भाई अपनी फिटनेस को लेकर इतने जो है सजग है, इतने जो है आतुर हैं जी। मैं नवंबर में 38 में शुरू हो जाऊंगा। तो 38 में जो है भैया हैं, तो 38 में जब हिम्मत हार जाते हैं लोग, तो यहाँ पर जो है फिटनेस को लेकर जो इतने सजग हैं, इतने आतुर हैं यार, इसके लिए मैं भैया को सैल्यूट करता हूँ। और भैया बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, तो सेवा तो करते करते हैं यार, वो तो बताइए आपको कोरोना में क्या हाल हुआ है हम सबका, तो भैया ने जो है पूरा मतलब जो है सपोर्ट किया है, तो इसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर भैया कृपा करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब जो है आप गेनिंग फेस के लिए फिर से सप्लीमेंट लेने घटा के ना आए, तो ये जो है मैं जो है भैया से प्रॉमिस लूंगा। भैया प्रॉमिस है ना? बिल्कुल प्रॉमिस है जी। और मैं बता रहा हूँ, अगर हो भी जाएगा ऐसा तो मैं डाइट वाइट मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो प्रॉमिस कर दिया है, तो दोस्तों यही प्रॉमिस आपसे लूंगा, क्योंकि परिवार है आप सब लोग, परिवार की तरह चल रहे हैं। तो अब देखते हैं भैया ने क्या सप्लीमेंट ट्रैक लिया है, तो भैया दिखाइए क्या क्या लिया आपने। यहाँ पर भैया ने सबसे पहले लिया है टेस्टो पावर नेचुरल साइज गेनिंग टैबलेट। पता ही है आपको कि मतलब जो है रिजल्ट में और साइज गेन में और हर तरीके से धूम मचाई हुई है टेस्टो पावर ने। यहां पर जो है भाई ने लिया है पंपिंग प्लस, मसल पंप करना चाहते हैं, स्टारेक्स न्यूट्रिशन का ही पूरा स्टैक लिया है, पंपिंग प्लस आर्जिनिन टैबलेट से 1000 mg की एक टैबलेट। और इसी के साथ भाई ने लिया है यहां पर पावर प्रो साइज गेनिंग प्रोटीन। जी हाँ, साइज गेनिंग प्रोटीन। अगर मैं आपको बताऊं इसकी खास बात,
तो इसके अंदर प्रोटीन भी, क्रेटीन भी, BCAA, ग्लूटामीन, इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी, ताकि डाइजेशन में कोई इशू ना आए, और हर्बल ब्लेंड भी दिया हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि आपको जो है सपोर्ट रहे, नेचुरल सपोर्ट। बाकी तो टेस्टो पावर तो भाई ने ऐड कर ही लिया इसके साथ, तो रिजल्ट तो आएंगे। और बाकी भैया को पता भी है, पीछा मैं इनका छोड़ूंगा नहीं, अगर ये सोच रहे हैं कि भाई पता है इनको सारी बातें, और वो आपको भी पता है पीछा छोड़ता नहीं मैं किसी का। तो ये स्टैक आप भी लीजिए मसल साइज गेनिंग के लिए, मसल पंपिंग के लिए, स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर पावर प्रो जो साइज गेन प्रोटीन है इसका प्राइस है 4500, आपका पंपिंग प्लस है यहाँ पर 1350 जो है 120 टैबलेट्स यार, और यहाँ पर टेस्टो पावर है 1550 90 टैबलेट्स। तो ये कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक गेनिंग के लिए दी बेस्ट ऑप्शन, और भैया को मिला है ओरिजिनल, ओरिजिनल ही मिलता है। तो एक सवाल जो मैं सभी से पूछता हूँ, तो भैया से भी पूछूंगा कि यहाँ पर भैया को GST बिल वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं, तो ये सप्लीमेंट्स लगा GST बिल, जिसके ऊपर सप्लीमेंट्स लगा GST नंबर, FS लाइसेंस नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर, सारी चीज़ें मेंशन है, तो पूछूंगा भैया ने अब यहाँ पर जो है यार 1200 रुपये का टैक्स भी पे कर दिया है। आम आदमी हम, भैया भी आम आदमी है वैसे तो, देखो मतलब भैया जो है अर्निंग्स करते हैं, अर्निंग्स नहीं कहूँगा मैं कहता हूँ कि मतलब सर्विस फील्ड में है, तो अर्निंग्स नहीं कह सकता उसको जो है, एटलीस्ट कह सकता हूँ यार क्या कहूँ मैं इसको, क्या वर्ड दूँ कि भाई सर्विस फील्ड में जो है कि भैया सेवा करते हैं, तो सेवा के बदले जो इनको, जो भी इनको सेल्फ एम्प्लॉयड या जो भी इनको जो है इनकम होती है, मैं पूछना चाहूँगा कि भैया आप वेल सेटल्ड हैं, सारी चीज़ें हैं, बट हैं तो आम आदमी ही, 1200-1500 रुपये मैटर करते हैं, क्या फ़र्क पड़ा? जहाँ सेहत का सवाल है कि 1500-1500 मैटर करते हैं, वैसे तो भैया डॉक्टर ही हैं तो पता ही है क्या जवाब आएगा आपका, पर फिर भी पूछूंगा मैं सबसे, क्योंकि मैं पूरी फैमिली को कहना चाहता हूँ यार इतना सस्ता उतना सस्ता, ये वीडियो देखी वो वीडियो देखी, ये साइट वो साइट, बच्चों जहाँ सेहत का सवाल है वहां पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सप्लीमेंट ओरिजिनल लेने हैं, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिला, तो भैया से पूछूंगे क्या फर्क पड़ता है यार 1200 अगर हम खर्च कर रहे हैं तो, और हमको और भी कोई चीज़ मिल रही है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नहीं है जी। टैक्स पे कर रहे हैं, टिन नंबर भी है आपका इस पे, आप सारा कुछ जो देते हो विदाउट बिल आप नहीं दे रहे हो जी, तो अगर उसमें मेरे 1500 रुपये जा भी रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल है जी। और भैया मतलब जो है आप मेरे को जानते हैं, बड़े भाई हैं मेरे यार, मैंने आपसे कभी ये तो नहीं, तीसरा विजिट है आपका, मैंने कभी ये तो नहीं कहा भैया बिल बिल रहने दो, कोई नहीं 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 कभी नहीं कहा है सर, और चाहता तो कह सकता था मैं 1200 मेरे बच्चे सकते थे, लेकिन नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा पक्का बिल काट के दिया है और मेरे बिल्कुल टैक्स लगा के दिया। भैया सप्लीमेंट वाला फैमिली को 5 स्टार में से क्या रेटिंग देंगे? 5 में से 5 यार। और क्या सलाह देना चाहेंगे सबको? अपने लिए, अपने शरीर के लिए जी, 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए जरूर निकालें और फेक माफिया से जरूर बचें जी। ये फेक माफिया जो है ना, ये सस्ता है वो है ये, मतलब ये इसके चक्कर में ना पड़े। सप्लीमेंट के लिए अगर आना है तो सुमित है जी, और जरूरी है वो सप्लीमेंट के लिए ना, आपको इंक्वायरी के लिए आना, कुछ भी पूछना है तो उसके लिए भी सपोर्ट करता है, बताता भी है, आप वीडियो देखते भी होंगे, मैं भी देखता हूँ, मैं भी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जी। ये जरूरी नहीं, यहाँ पे वो सेल वाला गोल तो है ही नहीं यार, यहाँ तो ये बताता भी है, अगर जिसको जरूरत नहीं नहीं देता, ठीक है। थैंक यू, इतने जो है भैया इतना प्यार इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और पीछे इनका भी छोड़ूंगा नहीं, बस प्रॉमिस मैंने ले लिया है। तो आप भी जुड़े सप्लीमेंट वाला परिवार से, और आप भी गेनिंग स्टैक लेना चाहते हैं तो ये स्टैक दी बेस्ट है, आप देख लें इसको, ये है स्टार एक्स न्यूट्रिशन का कंप्लीट स्टैक, यहाँ पर साइज गेन प्रोटीन, यहाँ पर टेस्टो पावर, पंपिंग प्लस, ऑरिजिनल मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर, कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, और कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट है, supplementsvilla.com पर जाकर आप उसे ले सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आज करूंगा, इतना के लिए बार मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।